मुंबई के मलारपुर स्थित न्यूसी सदन सोसाइटी के रहवासियों ने सड़कों पर उतरकर अग्रवाल विकासक के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। लोगों ने विकासक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सोसाइटी के रहवासियों ने बिल्डर पर आरोप लगाते हुए कहा कि बिल्डर ने 2008 से लोगों को उनके घरों से वंचित रखा है। विकासक ने सोसाइटी के रहवासियों से जो वादा किया उसे पूरा नहीं किया। रहवासियों का मानना यह है कि करीब 15 वर्षों से रिश्तेदारों और दूसरे स्थानों पर किराए पर रहने पर मजबूर हैं। और मैं पत्रकार मित्रों से निवेदन करते हैं कि हमको आप लोगों की सहायता से जल्दी न्याय मिले। बस आपका परिचय दीजिए और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में बताइए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का उद्देश्य ऐसा है कि हम लोग ये साई सदन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के सब मेंबर्स हैं। ये 16 साल से ये रास्ते पे ही खड़े हैं। आप जिधर हैं हम लोग रास्ते पे खड़े हैं। ये हमारे पीछे जो बिल्डिंग दिख रही है ये इल्लीगल बांधी हुई है। बिल्डर ने हमसे चीटिंग किया हुआ है और ये कोर्ट में प्रूव हो चुका है। दूसरी बात, डीएम मेरे पास सब पेपर है, हमको एक रुपया भाड़ा नहीं दिया, 16 साल हो गए और उसने पूरा हमारे बिल्डर, उसका नाम है संजय अग्रवाल एंड एसोसिएट, अग्रवाल एंड एसोसिएट, उसने हमारे बिल्डिंग का नाम भी चेंज किया। देखो इधर लिखेंगे तो वास्तु टावर लग दिया है, वो भी हमारे परमिशन के बिना, इससे वो भी इलीगल काम किया हुआ है। तो हमारी लेडीज लोग इनको पूछिए, ये सबको किसी को भाड़ा देने को पैसा नहीं है, खाने को पैसा नहीं है, ऐसी स्थिति है। बिल्डर ने पहले प्रॉमिस क्या किया था आपके साथ में, ये बताइए। हाँ, बिल्डर ने 2008 में हमारे से एग्रीमेंट किया था, हमको 390 कारपेट एरिया जगह देने वाला था, लेकिन हमारे से जगह खाली करा के किसी को भाड़ा दे रहा था, किसी को नहीं दे रहा था। इसके लिए उसके अगेंस्ट में हम लोग कोर्ट में गए, कोर्ट में गए हम लोग 2013 में, और 2015 में हमारा एक जजमेंट ने कंसेंट आया, उसमें कोर्ट ने यह नक्की किया कि 17 तारीख को, हर महीने के 17 तारीख को यह हमको भाड़ा दे देगा। लेकिन हमने उसको तुरंत एनओसी दिया गुड फेथ पे और उसने हमको एक रुपए एक महीने का भाड़ा नहीं दिया और उसके बाद में हमको मजबूरी में वापस कोर्ट में जाना पड़ा। यह हमारी स्थिति है। अभी क्या आपकी डिमांड क्या है और क्या कहना चाहेंगे, जैसा कि आप बता रहे कि रेजिडेंशियल आपका था और कमर्शियल का हमारा है। हमारा इच्छा यही है कानून के हिसाब से सब चले और हमको तुरंत न्याय दे, क्योंकि न्यायपालिका में सब कुछ उसके खिलाफ प्रूव हो चुका है कि ये इल्लीगल है। बीएमसी ने, माड़ा ने, कोर्ट ने, सब ने डिक्लेयर कर दिया है कि ये इल्लीगल कंस्ट्रक्शन है। इससे ऊपर हम लोग क्या चाहते हैं कि इस बिल्डिंग को तुरंत तोड़े और हमारे हिसाब से हम पूरा बनाएंगे। हमको ये नहीं चाहिए बिल्डर, हमको 100% हम लोग सब साथ में बोल रहे हैं। हमको एक चीटर बिल्डर चाहिए। हम लोग बहुत भुगत चुके हैं, हम देखेंगे किसको रखना है किसको नहीं रखना। हमको फसा के ये सब बेच के और इलीगल दुकानें चालू है और इलेक्ट्रिक का भी पावर कनेक्शन तुरंत ये बंद होना चाहिए, क्योंकि कभी भी इसमें हादसा हो सकता है। तो वो हादसा होएगा तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? कल उठ के दिया लेकिन वो लोग ध्यान नहीं दे रहे। कल उठ के इधर कोई आग लग गया कि इसके जिम्मेदारी कौन लेगा? हम कमिटी वाले हैं, मेंबर थोड़ी रहेंगे। अच्छा, इसमें अडानी का क्या मामला सामने आ रहा है? तो हम लोग अडानी को पहले लेटर दे चुके हैं कि ये इलीगल बांध काम है। इसका अडानी को हमने रिक्वेस्ट किया है लेटर के थ्रू कि इसकी लाइट सब बंद कर दो। हमने फायर ब्रिगेड को भी दे चुके हैं हम लोग कि इसमें कुछ भी हादसा, क्योंकि होटल चल रहे हैं, आप देख सकते हैं इधर होटल वगैरह, स्पा चल रहे हैं, होटल चल रहे हैं, तो कोई भी ये सब इलीगल चल रहा है। कुछ भी हादसा हुआ, कोई मर गया, कुछ हो गया, आप ये देखेंगे ऊपर ये लोकल जंग पर 10 साल हो गया, गिर जाएगा तो क्या होगा? अडानी ने इलेक्ट्रिसिटी जो यहाँ पे सप्लाई दिया है, 21 आधार पे दिया है वो अडानी को पूछिए आप, क्योंकि ये तो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, प्रूव चुका है। तो हमको क्या मतलब, उसने कौन से आधार पे दे रहा है वो? अडानी सभी को कमर्शियल मीटर दिया है क्या? नहीं दिया है, वो कंस्ट्रक्शन मीटर के ऊपर ही है, डिवाइड कर रहा है। नहीं नहीं, ये तो इलीगल है, इसका क्या संबंध है? ये सेल किया होगा। हाँ, उन्होंने सेल किया है, वो कम से कम 50 करोड़ रुपए घर पे लेके बैठ गया है बिल्डर। हमारे हिसाब से कम 50 करोड़ रुपए लेके घर पे बैठ गया है, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो खुद वकील है, वो कानूनी दांव पे जानता है, जो के कानून में ऑलरेडी उसको चीटर डिक्लेयर किया है।
जो भी तारीख की तारीख कातावाला जस्टिस कातावाला जो रिटायर हो चुके हैं उनका जजमेंट हमारे पास में, उसमें उसको तीन बार चिटिया डुके कर चुके हैं, और उसके आगे हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम तो सामान्य नागरिक है, हम क्या कर सकते हैं बताइए। तो दलाल है क्योंकि इन्हें सब माल भेज दिया और इन लोगों को दबा दिया हम लोगों की बिना परमिशन का। उसके बाद सब कोर्ट के ऊपर कार्रवाई चालू है, लेकिन कुछ भी तारीख हो रही है लेकिन सुनवाई हो नहीं रही है। बाद में हाईकोर्ट में था, अभी हाईकोर्ट में वापस चार साल के बाद हमको माजगांव कोर्ट में ट्रांसफर किया, क्योंकि बोले अभी तुम्हारा मैटर 10 करोड़ के अंदर वाला है इसके यहाँ नहीं चलेगा। उसी चक्कर में हम लोग का टाइम होते जा रहा है और बिल्डर कुछ ना कुछ करते ही रहता है ये सब नंबर इंबर के बारे में। आप लोग का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इसको बाहर जाने के लिए बोल दिया, नहीं बांध रहे, बांध भी नहीं रहे, कुछ भी नहीं, इसी 50 करोड़ रुपए कमाया और ताबा देखे वो घर में अपना बैठा है और हम लोग सब रस्ते पे किराया आ रहा है वो खा रहा है, हम लोग बाहर रख रहे हम लोग को एक पैसा नहीं मिल रहा है कुछ नहीं, ये पूरा 5 लाख महीने का 6 लाख भाड़ा खा रहा है और मजा कर रहा है, उसका भाड़ा खा रहा है, सिक्योरिटी सोसाइटी का पैसा दे रही है, हमारा पैसा सोसाइटी में 12 महीने का 3.5 लाख रुपया सोसाइटी में जा रहा है। अभी हमारी कोई इनकम है नहीं, हम लोग सोसाइटी का सेक्रेटरी का किसी को दे सके, हम लोग चाहते हैं कोर्ट के थ्रू ही हट जावे ताकि हमारा रास्ता साफ हो जावे। मेन बात तो आधारित को जल्दी न्याय मिले, ऊपर से वो कमर्शियल यूज कर रहा है और अदानी वाला पावर है, कोई भी उसके ऊपर एक्शन नहीं ले रहा है। हुआ हुआ, इनको अभी इन्फॉर्म कर दिया, ये फोटो देख लीजिए कि ये इनलीगल है, सब डिपार्टमेंट वाइज बता दी है कोर्ट रिसीवर को, ये सब पत्र व्यवहार जो है अलग अलग डिपार्टमेंट को, कोर्ट रिसीवर, बीएमसी, माड़ा, सबको हम कर चुके हैं, सबका पॉजिटिव जवाब आया है। बीएमसी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है ये पेपर में लिख के हमको दिया हुआ है, अगर आपको चाहिए तो हम लोग कॉपी दे देंगे, आप कृपया करके इसको छाप देना या तो इसको मीडिया में फैला देना कि जैसे जैसे कि हमको तुरंत जल्दी से जल्दी न्याय मिले, और ये अडानी का पावर कट होना चाहिए और ये इलीगल दुकानें बंद होनी चाहिए, ये पहले होना चाहिए, क्योंकि वो लोग अंदर बैठे हैं हमारे सोसाइटी में और हम लोग रस्ते पे, तो ये कौन सा न्याय है? हमारा एग्रीमेंट में है कि पहला टेनेंट को देगा, उसके बाद पहला हाँ, और माड़ा को उसको 8 करोड़ रुपए देना बाकी है। कैसे चलेगा? अभी हमारी उम्र 70 साल की है, हम लोग कहाँ से भाड़ा भरेगा? गवर्नमेंट 60 साल में हम लोग को रिटायर करता है, अभी हम 70 साल हो गया तब भी मर रहे हैं, अभी हम दामाद के पास रहता है, शर्म आती है, बेशर्म जैसा रहना पड़ रहा है, भाड़ा नहीं दे रहे तो हम लोग क्या करेंगे? कोर्ट रिसीवर यहाँ पे लगाया गया है रोड के अंतर्गत, अभी क्या हुआ उसके बारे में बताइए थोड़ा सा। हमारा नाम चेंज किया है तो हमको इधर इधर सुसाइड करना पड़ेगा, ये रस्ते में सत्रह साल से केस से लड़ा जा रहा है, 17-18 साल हमको रिस्पॉन्स नहीं है, हम अभी आने वाले सारे बाहर रह रहे हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, कमर्शियल लाइन बनाई हुई है विदाउट सोसाइटी एक्नोलेजमेंट, और वो चला रहा है, उसका रेंट ले रहा है, बेच रहा है, उनके पास पैसा आ रहा है, वही पैसे से हमारे अगेंस्ट में केस वो लड़ा जा रहा है और हमारे अगेंस्ट में वो पैसा वापस ना जा रहा है, उसके वजह से हम अभी भी सारे मेंबर विदाउट एनी रेंट बाहर रहते हैं, ठीक है, और केस चल रहा है आज 17-18 साल होने आ गया है, सभी लोग अभी हमारे जो मेंबर्स थे कोई बूढ़े हो गए, उसकी वजह से कोई एक उम्मीद से चल रहे कि हमें कल को मिलेगा, पर अभी तक हमें पॉजिटिव रिस्पांस कहीं से नहीं मिल रहा है, वो नहीं हमारे पास, उसके अगेंस्ट में सारा प्रूफ हो चुका है, वो चीटर भी घोषित कर चुका है भाई, हमारे एक जज ने उनको घोषित किया था, फिर भी उनको पॉजिटिवली कुछ हुआ नहीं है, अभी भी हम बाहर ही हैं, तो हमारी आपसे यही गुजारिश है आप लाइव दिखाइए और ये मैसेज हमारा सरकार तक जाना चाहिए और उसके ऊपर अगेंस्ट उतना कुछ एक्शन होके इसका रिमोडिफिकेशन होना चाहिए, ये हमारी गुजारिश है आपसे। यस।